नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। पिछले 6.5 सालों में निरंतर हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक बार फिर से ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से गवर्नेंस टू सिटीजन यानी G2C, बिजनेस टू सिटीजन यानी B2C सेवाओं की कहीं पर भी कभी भी किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित होगी। सरकारी ऐप के माध्यम से मोबाइल गवर्नेंस को सही अर्थों में लागू करने जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज पर अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन सभी काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा के अनुरूप आज मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल एक बार फिर से लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों को आवेदन करना होगा। काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर कम रेट की अदायगी भी करनी होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं G2C जैसे सरल सेवाएं, विभागवार सेवाएं, उपभोक्तावार सेवाएं तथा जन शिकायतें एवं RTI, इन सभी को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है कि निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरियां, खेल, आधारभूत संरचना और कौशल विकास समेत अन्य सेवाओं की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के जरिए आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व रास्तों की भूमि आदान प्रदान के आदेश भी जारी किए थे। इसके अलावा भी पालिकाओं में काफ़ी ज़मीनें अलग अलग टुकड़ों में विद्यमान है जिनका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। इन पर अवैध कब्जा होने की संभावनाएँ हमेशा बनी रहती है, इसलिए इन ज़मीनों को बेचने के लिए पालिकाओं को अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। इससे इन ज़मीनों पर अवैध कब्जे की आशंका नहीं रहेगी और पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन ज़मीनों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाएगी और तय कीमत पर ही आवेदन मांगे जाएंगे। पलवल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। आज दो पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत से विभागों की अपनी वेबसाइट्स, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है। ये तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यो कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से, IT गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में, द्विभाषी मोबाइल ऐप है ये, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C गवर्नमेंट टू सिटीज़न ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीज़न के लिए वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है, बिलों का भुगतान है, प्रेस विज्ञप्तियां, यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियां भी इसके माध्यम से, जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से, वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। और जो नई नई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी। कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा, जो हरियाणा की दूरभाष निर्देशिका, जो भी हर सरकारी कर्मचारियों को जो हमारी डायरेक्टरी है उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा। और इसमें किसी भी तरीके से, उसके नाम से, विभाग से, श्रेणी से, किसी ज़रूरत के हिसाब से, सर्विस के कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई एक कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत एक फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मान लो कोई चीज़ नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे, वो शब्द जहाँ जहाँ जिस जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें। आप फिर संबंधित जो ऐप आपने ढूंढनी है, पोर्टल ढूंढना है, वेबसाइट ढूंढनी है, वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ईज ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं,
ईज ऑफ लिविंग में ही होता है कि मनुष्य जीवन का, सिटीजन का कैसे जीवन सरल बनाया जाए, उसकी जो उहाप होती है वो बहुत सी जानकारियों के अभाव में वो परेशान होता है। तो ऐसी जानकारियों के अभाव में परेशान ना हो तो एक सरल एक ऐप बनाया गया है, और इस नागरिक सरल पोर्टल के माध्यम से जो सेवाएं दी गई हैं वो अभी बताई गई हैं। एमरजेंसी सेवाएं हैं जिसमें 112 एमरजेंसी कॉल है, 100 पुलिस की कॉल है, 108 एम्बुलेंस की है, 101 फायर की है, 104 हेल्थ की है, 1091 महिला हेल्पलाइन है, 1098 बाल हेल्पलाइन है, 1075 COVID-19 हेल्पलाइन है। ये सारी हेल्पलाइंस जितनी भी हैं, फटाफट आप उस आवश्यकता के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी। आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी। सारी अन्य सेवाएं जैसे मैंने सब बताया है, रोज़गार के समाचार हैं वो भी इसमें मिला करेंगे। कोई नौजवान है जिसको रोज़गार की आवश्यकता तो रोज़गार मिलेगा, कोई विद्यार्थी है उसको अपनी परीक्षाओं के नाते से जो जानकारी हरियाणा से संबंधित हमारे बोर्ड्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जानकारियाँ वो भी इसमें मिलेंगी। तो ऐसी सब जानकारियों की जो घोषणाएँ होती हैं समय समय पर सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएँ की जाती हैं, उन घोषणाओं की नवीनतम जानकारियाँ वो भी इसमें अपने को सब मिलेंगी। समय समय पर जो नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो वो नोटिफिकेशन भी इसमें समय समय पर सब आती रहेंगी। और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोई एज ग्रुप या कोई कैटेगरी ग्रुप, ऐसे अलग अलग ग्रुपों के हिसाब से भी उनको कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा तो भेजा जा सकेगा। हम मान लो सरकार की ओर से चाहते हैं कि किसी एक ज़िले को हमने नोटिफाई करना है, वो भेज सकेंगे। किसी एज ग्रुप को मानो यंग हैं 15 साल से 25 साल, 15 साल से 35 साल को एक नोटिफिकेशन भेजना, वो भेज पाएंगे। हमको बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के लोगों को सूचना देनी है, वो हम उसी हिसाब से उन लोगों के जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको नोटिफिकेशन कर पाएंगे। तो एक बहुत सरल तरीका सरकारी सूचनाओं का भी ये रहेगा। कुल मिलाकर प्रत्येक नागरिक के लिए इस ऐप के माध्यम से उनके दैनिक जीवन को कैसे सरल बनाया जाए इसको ध्यान रखा गया है, और जैसे जैसे इसका उपयोग लोग करेंगे कुछ सुझाव आएंगे, सुझाव भी उसमें इनकॉर्पोरेट हम लोग करते रहे। दूसरा पोर्टल वो है शहरी निकाय, हमारी स्थानीय निकाय की ओर से बहुत ऐसे बड़ी संख्या, अभी तो 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे लगता है ये 25-30,000 भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने ULB की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तहबदारी पर ली हैं, या लाइसेंस लेकर के अपना काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं। तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है, हमने हरियाणा में ही किया केवल, अभी तो स्वामित्व शहरी कि जिनकी ज़मीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है, क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं उसका अधिकार फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज़ है उस जगह पर तो उसको 50% पर ही, आज का रेट जो है, जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा कलेक्टर रेट, उस 1 जुलाई के रेट के ऊपर हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा। तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाला, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% उसको छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी, यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की ज़मीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई है। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले नगर सुधार मंडल और मंडी टाउनशिप्स थी उनको भी हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज़ में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। तल के हिसाब से रेट्स तय निर्धारित किए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, उस हिसाब से रेट्स रखे गए हैं। मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी को कहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, इसमें जो वो है बेसमेंट वो कहीं रह गया है उसकी भी कोई पॉलिसी बनाएंगे, अगर बेसमेंट और प्रथम तल मानो अलग अलग व्यक्ति के पास है तो उसका भी इसमें कोई प्रावधान करना होगा। एक ही व्यक्ति के पास है तो उसमें समस्या नहीं है, उसमें तो जिसका प्रथम तल है उसी के पास बेसमेंट होगी, लेकिन अगर उसके मालिक अलग अलग हैं तो उसका कोई प्रावधान ये कर देना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई उसमें ना आए। प्रार्थना पत्र का बता दिया गया कि प्रार्थना पत्र इसमें वो डालेंगे। कल से 1 जुलाई से
ये प्रार्थना पत्र लिए जाने शुरू होंगे। अब चूंकि संख्या बड़ी है, 16,000 तो आ ही गए हैं और ज़्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक एप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसका कब से वो है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, तो सारे के सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है। तो जो एक महीना बताया कि अप्लाई करने एक महीने के अंदर अंदर वो हम सारा करेंगे, तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है, उसकी मैं घोषणा करता हूँ कि हर सप्ताह 1,000 एप्लीकेशन ली जाएंगी, ताकि सप्ताह में अगले उस एक महीने में उस सप्ताह भर की 1,000 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके, और फिर अगले सप्ताह सोमवार को 9 बजे फिर खुल जाएगा, तो 1,000 जब हो जाएंगे तब बंद हो जाएगा, तीसरे सप्ताह सोमवार 9 बजे फिर खुलेगा तो फिर 1,000 के बाद बंद होगा, अर्थात 16 सप्ताह 16,000 अगर ये हैं तो 16 सप्ताह 17 सप्ताह ये हमने इसको स्टैगर्ड कर दिया है, ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सप्ताह में 1,000 के ऊपर उसको बंद करेंगे, अगले सप्ताह फिर खोलेंगे। तो इसमें लगभग 16 सप्ताह का मतलब है कि ढाई तीन महीने, 5 सप्ताह रहते हैं, तो साढ़े तीन महीने ये अगर यही एप्लीकेशन रहती हैं, बढ़ती हैं तो वो 6 महीने तक भी हो सकता है। विवादों का समाधान, ये हमारा एक अंडरलाइन एक फ्रेज जिसको हम नोट करें और इसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। किसी वर्ग का कोई ऐसा विवाद है कि पॉलिसी बनाने के बाद सुलझ सकता है, तो वो पॉलिसी हम बना रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स का और सिटीजन्स का लेना देना, झगड़े, लिटिगेशन बहुत हैं। मैं तो समझता हूँ कि लाखों की संख्या में ये विवाद हमने सुलझा दिए हैं, लाखों की संख्या में अभी और हैं, कि बहुत पुराने चल रहे हैं, कोई आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई 20 साल पहले कोई योजना बनी उस समय शायद उसको उस ढंग से नहीं लिया गया, कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें से कोई और लाभ मिल सकता है, उसको उन्होंने पालन नहीं किया, या बाद में कोई उनकी कठिनाई आ गई, या कई बार एक मानस भी होता है जनता का कि सरकारी चीज़ है क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब हम उसको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। हमने सरकारी विभागों को सबको कह दिया कि अब ऑन इंस्टॉलमेंट्स कोई डिपार्टमेंट कोई चीज़ देने की बजाय बैंकों की सुविधा प्रदान कराए, कोई चीज़ देनी है इंस्टॉलमेंट पर तो बैंक से वो लोन ले, पैसा सरकार को मिल जाए, वो जो किस्तें हैं बैंक को वो देते रहे, क्योंकि सरकार का काम फाइनेंशियल लेने देने का नहीं होता है, फाइनेंशियल लेने देने का काम बैंकों का होता है। सरकार ने तो सुविधा बनाई, जनता को सौंप दी, आगे बढ़ गए, तो इसलिए हम तो ज़्यादा सुविधाएँ बनाएंगे। तो आवेदन करने के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ दस्तावेज लेनी है ये आपको सब बता दिए हैं। एक महीने के अंदर अंदर जिसने भी अप्लाई किया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, और अप्लाई करना और ऑब्जेक्शन, उस सब को ऑब्जेक्शन के बाद अगले एक महीने में उन ऑब्जेक्शन का अगर कोई है तो उसको समाप्त किया जाएगा, जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अब 25% राशि जमा कराइए, तो 25% 15 दिन में उनको जमा करानी होगी, और उस 15 दिन के बाद फिर प्रोसेस करके बाकी 75% बैंक दे देगा, बैंक से बातचीत हो चुकी है, बैंक उनको लोन देगा 75%। अतिरिक्त भवन का जो क्षेत्रफल उसने को निर्माण कर लिया है, उस अतिरिक्त क्षेत्रफल के ऊपर भी 1,000 रुपया क्या फाइन है? नहीं, एडिशनल है, लेकिन उस लैंड की कॉस्ट तो लैंड के हिसाब से होगी, लेकिन अगर जितनी दी थी, मान लो 100 गज की दुकान दी थी, उसने 25 गज और कर ली और 25 गज पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो 25 गज भी उसी रेट पर जो आज का रेट उस पर देंगे प्लस 1,000 रुपया और जुर्माना, तो उसने अनक्रोचमेंट की है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो डिनाई भी कर सकते हैं कि ये 25 गज सार्वजनिक जगह है, लोगों की आने जाने का रास्ता है, आपने इसको किया उसको तोड़ दो, तो वो ऑब्जेक्शन के ऊपर निर्भर था। ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता और उसने बनाया हुआ तो दी जा सकती है। और किसी ने अगर ट्रांसफर नहीं कराया, मान लो एक व्यक्ति ने लीज पर ली थी, उसको बाद में दूसरे ने ले ली, उसी के नाम चलती आ रही रिकॉर्ड में, आज अगर दूसरा कोई बैठा है तो वो ट्रांसफर कराने के 30,000 रुपया देगा, ट्रांसफर करा लेगा, पीरियड वहीं से माना जाएगा जो ओरिजिनल पहली अलॉटमेंट जिसको हुई थी।